सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप से ईमेल आईडी रिमूव किस तरह से करेंगे, यानी लॉग आउट किस तरह से करेंगे, चाहे अपना हो या अगर आपने किसी भी दूसरे का ईमेल आईडी अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया है और अगर आप उसको लॉग आउट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ दोस्त, इस चैनल के अंदर आपको लैपटॉप का फुल कोर्स मिल जाएगा, तो आप इस चैनल का प्ले लिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में अब देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी लोगो दिख जाएगा और यहाँ पे भी लोगो दिख जाएगा। अगर आपके लैपटॉप के अंदर समझो एक से ज्यादा ईमेल आईडी है, दो है, तीन है, चार है, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए आपके लैपटॉप में जितना भी ईमेल आईडी है वो सारे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप जिस भी ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में फिर उसी ईमेल आईडी से जो है यहाँ पे खुल जाएगा गूगल क्रोम। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन आउट। तो क्या करेंगे, आप इसी पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया है, साइनिंग। तो आप क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूव अकाउंट। तो आप इसी पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है आप इसी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यस रिमूव, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। अब जो है देखिए आपके लैपटॉप से आपका ईमेल आईडी रिमूव हो चुका है। एक बार मैं आपको बैक आके भी दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ताकि आपको यकीन आ जाए ना। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में अब देखिए आपके सामने में इस तरह से ऑप्शन आएगा। अभी देखिए दोस्तों मैंने इस वाले को डिलीट किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे से फिर से जो है फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और सब जो मांगने का रहता है वो मांगेगा। अब अगर आप यहाँ से भी इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अपने लैपटॉप से किसी भी ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्त आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप प्यारी सी कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।